नमस्कार, सभी बैठ जाएं। क्या केस से संबंधित दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित है? आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम यहाँ केस नंबर आरुषि मर्डर केस नंबर 35 यहाँ आरुषि मर्डर केस नंबर 35303 धारा 302 के तहत डॉक्टर राजेश वर्मा में लगे हुए आरोप, आरुषि वर्मा के कत्ल के आरोप और सबूत को मिटाने के आरोप में हम यहाँ एकत्रित हुए। योर ऑनर, पीड़िता के पिता को आरोप साबित होने से पहले आरोपी करार देना सरासर गलत है। मेरे काबिल साथी वैभव पटेल के जो भी आरोप मेरे क्लाइंट पर लगा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। माय लॉर्ड, अब मैं अपने पहले गवाह शांता भाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। शांता भाई कटघरे में हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो शांता भाई आप डरिए मत। तो आप रोज सुबह कितने बजे मिस्टर वर्मा के घर पहुंच जाती हैं? साहब, मैं तो रोज सुबह 6 बजे काम पे पहुंच जाती हूँ। उस दिन भी मैं रोज की तरह 6 बजे पहुंच गई थी। तो आपने उधर पहुंचने के बाद कुछ अलग देखा? हाँ, वो उस दिन मैं पहुंची थी, फिर घंटी बजाई, फिर वो मेम साहब ने दरवाजा खोला था, उसके बाद मेम साहब दूध गर्म करने चली गई और मैं अपना झाड़ू पोछा का सामान लेके आरुषि बेबी के रूम में चली गई। साहब, आरुषि बेबी बिस्तर पे पड़ी थी, साहब उनकी चादर पे बहुत खून लगा था, सर साहब उनकी चादर पे। फिर मैं डर गई, फिर मैंने मेम साहब को बुला लिया। तो जैसा आपने बताया, तो क्या रोज दरवाजा मेम साहब नहीं खोलती है? नहीं साहब, रोज मेम साहब दरवाजा नहीं खोलती, रोज तो हेमराज दरवाजा खोलता है। वो शायद छुट्टी पे होगा इसलिए मेम साहब ने खोला हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, क्या विपक्ष पक्ष कुछ पूछना चाहेगा? जी हाँ। आप मिस्टर वर्मा के घर में कब से काम कर रही हैं? 6 साल से। तो आपको उनकी बेटी और उनके संबंधों के बारे में पता ही होगा कि कैसे थे? वो तो बहुत प्यार करते थे मैडम जी दोनों आरुषि बेबी से। तो जिस दिन आप गई थी उस दिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नजर आया आपको? नहीं, वो मैडम तो रोज की तरह घर का काम कर रही थी और साफ तो अखबार पढ़ रहे थे। मतलब आपके अनुसार आपने ही उन्हें पहली बार बताया था कि आरुषि बेबी साथ क्या हुआ? हाँ, मैंने देखा था। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर वो अपनी बेटी साथ ऐसा कुछ भी करते तो उनका बर्ताव नॉर्मल तो नहीं होता अपने घर में। दैट्स ऑल। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। अब मैं अगले गवाह डॉक्टर आरती डोडिया को बुलाना चाहूंगा जो जिसने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। डॉक्टर आरती डोडिया हाजिर हो। तो डॉक्टर, आप आरुषि वर्मा को कैसे जानती हैं? जैसे ही मिस आरुषि की बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया था, मुझे उनकी बॉडी को एग्जामिन करने का कार्य सौंपा गया था। तो आपने अपने पोस्टमार्टम के फाइंडिंग्स में क्या-क्या पाया? रिपोर्ट्स के अनुसार आरुषि की बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज पाई गई थी, जिनके फाइंडिंग्स में है वाइटस डिस्चार्ज प्रेजेंट,
inside the vaginal cavity and mouth of cervix. Vaginal orifice was unduly large. The hymen was ruptured and his old tears. Rigor mortis had set in. Postmortem staining was present all over her back and it is fixed. Semi-digested food is present in her stomach. There was two types of weapons are used during murder. Ek tha blunt object aur ek tha sharp object. To jo blunt object se injury aayi thi wo split laceration type ki injury thi jo ki present thi occipital region mein and it is horizontally placed. Occipital region mein wo external occipital protuberance par present thi aur uski measuring thi 10 cm into 1.5 cm into bone deep. जिसमें कि हमें बोन पर एक इंटरनली चेक करने पर हमें बोन पर एक डिप्रेशन मिला था एंड सब्यूरल हेमरेज भी था जो कि इसकी डेथ का कॉज बना. शार्प इंजरीज जो थी वो पोस्टमार्टम इंजरीज थी जिसमें कि मार्जिनल सिजेशन नहीं मिलता है, मतलब कि वो मृत्यु के उपरांत इंसिजन दिए गए थे. शार्प इंजरी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से जो इंसिजन दिए गए थे वो नेक रीजन पर प्रेजेंट थे और उनमें दो थे, एक फ्रंट ऑफ द नेक पर था और एक और द ऑसिपिटल आर्टरी. तो जो राइट मतलब फ्रंट ऑफ द नेक पे था उसकी जो मेजरिंग थी वो 3 into 0.2 into फेशिया डीप एंड जो और कैरोटिड आर्टरी थी उसकी मेजरिंग थी 4 into 0.3 into कैरोटिड डीप. क्या विपक्ष पक्ष कुछ पूछना चाहेंगे? तो आपने आरुषि की बॉडी एग्जामिन की है? जी हाँ. तो क्या आप मुझे बता सकती है आरुषि की बॉडी आपके पास कब तक आई थी? जी हाँ, आरुषि की बॉडी हमारे पास करीबन रात को 8 बजे आई थी. लाने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम? पुलिस कांस्टेबल के थ्रू हमारे पास बॉडी आई थी जो कि लाने वाले पुलिस कांस्टेबल का नाम था दुर्गेश सिंह चौहान. तो क्या पेपर वर्क में भी दुर्गेश सिंह चौहान का ही साइन है? जी हाँ. ठीक है, तो अब मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न करना चाहूंगी. आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से की है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा से. पीजी? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल से. आपकी फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशलिटी है, आप एक्सपर्टीज हैं इस फील्ड की? जी हाँ. ठीक है, तो आपने अभी जो भी बताया मैं उसका आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ. आपने बोला कि आरुषि पे की बॉडी पे जो इंजरीज थी पीछे ऑसिपिटल रीजन पे वो थी एक ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से. तो क्या ये पॉसिबल है कि आरुषि रात में उठी, उसका पैर पिसका, वो गिरी, उसके बॉडी पे इंजरी आई, वो तब तक कॉन्शियस थी, वो बेड पे गई, वो जैसे ही लेटी और उसकी डेथ हो गई? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ब्लंट एंड हेवी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है क्योंकि वो एक फर्श भी हो सकता है. तो पर ये डिपेंड करता है कि जो विक्टिम हो उसकी स्पीड कितनी थी, क्योंकि जो गिरने पर जो इम्पैक्ट लगना चाहिए बोन पे वो होना चाहिए. क्या आप स्पेसिफाई कर सकती है कि वो ब्लंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. आपने जैसा कि बताया कि ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से उनकी उनकी हत्या हुई, क्या आप ये बता सकती है कि कट की वजह से क्यों नहीं बोल रहे हैं यहाँ जो उनके नेक पे प्रेजेंट है? ब्लंट इंजरीज जो आई थी वो एंटीमार्टम इंजरीज थी, मतलब कि मृत्यु के पहले आई हुई थी, और जो इंसिजन दिए गए थे वो पोस्टमार्टम थे जो कि मृत्यु के उपरांत दिए गए थे. मृत्यु के उपरांत जो भी इंसिजन दिए जाते हैं, जो भी इंजरी आती है, उनके मार्जिनल सिजेशन हो जाता है, तो वहां से उतना ज्यादा ब्लड ओजिंग आउट नहीं होगा, तो कम ही ब्लड हमें मिलेगा. इसीलिए जब हमें उनकी बॉडी पुलिस कांस्टेबल को उनकी बॉडी मिली थी तो इतना ज्यादा ब्लड रूम में था नहीं, सिर्फ बेड रीजन पे ही ब्लड था. आपकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उस रिपोर्ट में आपने ये भी बोल रखा है कि आपने वाइटल डिस्चार्ज और ब्लड सैंपल एफएसएल लैब भेजा है, इसके पीछे? जी हाँ, जो वाइटल डिस्चार्ज हमने भेजा है सैंपल के लिए वो हमने इसलिए कलेक्ट किया था कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ होगा तो वो हमें उससे पता चल जाएगा. और ब्लड सैंपल हमने इसलिए कलेक्ट किए थे कि डीएनए मैचिंग करने के लिए जो भी हमें पुलिस कांस्टेबल से हथियार मिलेंगे उससे हमें डीएनए मैचिंग करनी होगी ब्लड की. मतलब ये केस रेप का भी हो सकता है?
ये मेरी एक्सपर्टीज में नहीं आएगा, ये जब भी हमें पता चलेगा जब रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी। ठीक है, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मैं एफएसएल वालों से पूछताछ करना चाहूंगी। इजाजत है। चंद्रिका वर्मा उपस्थित हो। तो क्या आप एफएसएल एक्सपर्ट हैं? जी हाँ। तो जो आपके सीमेन मतलब वाइटल डिस्चार्ज और ब्लड के सैंपल आए उससे आपने क्या फाइंडिंग्स निकाली है? जी देखिए, जो ब्लड सैंपल्स थे उनका हमने टेस्ट किया है और हमने डीएनए सैंपल्स रख लिए हैं और हमें पुलिस की तरफ से कुछ वेपन्स मिले थे जिनसे मतलब जो पॉसिबल मर्डर वेपन हो सकते हैं उनसे हमने मैचिंग करी है और जो वाइट डिस्चार्ज हमें भेजा गया था उसमें हमें देयर वर नो ट्रेसेस ऑफ सीमेन सीमेन और स्पर्म फाउंड देयर, तो इसलिए देयर वाज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो क्या फिंगरप्रिंट मिले हैं आपके आपको मर्डर वेपन पे? जी नहीं। क्या आप मुझे ये बता सकती कि ब्लंट ऑब्जेक्ट जो था वो क्या था? जी, ये एक ब्लंट और हेवी ऑब्जेक्ट से करी गई इंजरी थी, तो हमने जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट उनके घर में हमें मिल सकते थे उनको लैब में डमी के ऊपर टेस्ट किया है सेम तरीके से इंजरी करके। सो उन सभी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स में जो गोल्फ स्टिक है वो हमें पुलिस की तरफ से मिली थी जिसमें ब्लड के भी कुछ निशान थे, वो ब्लड सैंपल्स आरुषि के ब्लड सैंपल से मैच हुए हैं और उस टाइप की जो बोन में डिप्रेशन प्रेजेंट था उसमें वो उस गोल्फ स्टिक इंजरी से मैच होते हैं। ठीक है, अब जा सकते हैं। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूशन कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? अब मैं आरोपी राजेश वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर राजेश वर्मा हाजिर हो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो डॉक्टर राजेश वर्मा, जिस वक्त आपके बेटी का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने रूम में सो रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। आपके बेटी और आपके रूम में कितना अंतर है, कितना डिस्टेंस है? मेरी बच्ची का रूम मेरे बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई और आपको कुछ आवाज भी नहीं आई, आप सोते रह गए? हमारे रूम का एसी बहुत आवाज करता है, उसकी आवाज के कारण हो सकता है मुझे आवाज नहीं आ पाई। पर आप ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे? मैं अपने पिता हूं, मैं अपनी बच्ची को मारूंगा? हाँ, क्या एसी इतना आवाज कर रहा था कि आप बगल में हो रही चिल्ला चोर हत्या के कारण भी आपको आवाज नहीं आई, आप सोते रह गए? इसका जवाब आपको मेरे रूम में जाकर मिलेगा, क्योंकि वहां पर ही वो एसी की मरम्मत के लिए मैंने एप्लीकेशन 3 महीने से दे रखी थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो हेमराज जिसने वो कत की पूरी साजिश करी, आप उसको पकड़ने की बजाय मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने पहले से ही प्लानिंग बना रखी हो कि आपको अपनी बेटी का कत्ल करना है, इसलिए आपने पहले से 3 महीने से एसी सुधरवाया नहीं? कहीं पागल तो नहीं हो गए आप? डॉक्टर राजेश, कोर्ट की गरिमा को मेंटेन रखें। माय लॉर्ड, जो व्यक्ति कोर्ट में खड़े होकर हमारे कुछ चंद सवालों का जवाब अच्छे से नहीं दे सकता वो अपनी बेटी की गलती पर भी उसकी हत्या कर सकता है। That's all my lord. जब तक कि मैं आरोप सिद्ध न हो जाए मैं वापस आना चाहूंगी, मेरे क्लाइंट को आरोपी करार देना बिल्कुल गलत है और मैं अब आपसे थोड़े समय की दरखास्त करती हूँ ताकि मैं सच कोर्ट के सामने ला सकूं। आप जा सकते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अगली तारीख तक स्थगित की जाती है।